लैंग्वेज मटीरियल डियर स्टूडेंट्स मुझे इस मॉड्यूल में आपसे लैंग्वेज मटीरियल के बारे में बात करनी है कि लैंग्वेज की टीचिंग करते हुए हमें कौन सा मटीरियल यूज़ करना चाहिए या टीचर को डिवेल्प करना चाहिए या ऑलरेडी डिवेल्प किए हुए मटीरियल का किस तरह इस्तेमाल करें और इसका क्या फ़ायदा होता है सो लैंग्वेज मटीरियल्स आर असेंशल इन लैंग्वेज टीचिंग एज दे आर टूल दैट टीचर्स यूज टू प्रजेंट एंड प्रैक्टिस लैंग्वेज कॉन्सेप्ट तो ये वो टूल्स हो सकते हैं ये हैंड आउट्स हो सकते हैं ये चार्ट्स हो सकते हैं या कुछ और कुछ भी हो सकता है जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए टीचर यूज़ करेगा और वो उस लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स को बेहतर बनाएगा परमानेंट बनाएगा और इस तरह फिर लैंग्वेज मटीरियल ये हैज़ टू कैटेगरीज दो कैटेगरीज का है नंबर वन एथेंटिक और नंबर टू क्रिएटेड एथेंटिक मटेरियल ये होता है जो माहरीन ने डेवलप किए होते हैं और इसमें पब्लिश मटीरियल भी आ सकता है सो नेटिव स्पीकर्स के लिए जो मकामी स्पीकर्स होते हैं उनके लिए लैंग्वेज टारगेट के तौर पर इसको जैसे न्यूज़पेपर्स हैं बुक्स हैं मैगजीन्स हैं और फिल्म हैं ये आप पिक्चर भी देख रहे हैं इसमें मुखलिफ मटीरियल नज़र आ रहा है जो एक टीचर क्लास में यूज़ कर सकता है सो दे आर ऑफ़न यूज टू एक्सपोज लर्नर्स टू द लैंग्वेज फॉर यूजिंग इन रियल लाइफ सिचुएशन तो ये लैंग्वेज जो लर्नर्स हैं उनको रियल लाइफ सिचुएशन में डालते हुए लैंग्वेज का रियल लाइफ एक्सपोजर देने के लिए वो इसको या इस्तेमाल करते हैं और क्रिएटेड मटेरियल्स आर स्पेशली डिज़ाइन फॉर लैंग्वेज लर्नर्स और जो क्रिएटेड मटेरियल है वो खास तौर पर लैंग्वेज लर्नर्स के लिए तैयार करता है ये टीचर कर सकता है या कोई अदारा भी कर सकता है तो दीज आर स्ट्रक्चर टू गाइड लर्नर्स थ्रू लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस तो लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस के जरिए ये उनको वो बच्चों को गाइड करता है ये जो मटीरियल है और लर्निंग प्रोसेस के ज़रिए और री करता है लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स को बाय प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस के जरिए उनकी री करना यानी उनको बार बार प्रैक्टिस करा करके जैसे प्रैक्टिस में एक सा मैन परफेक्ट तो उनकी मश को बेहतर बनाते हैं और इसमें भी शामिल हैं टेक्स्ट बुक्स हैं वर्क बुक्स हैं हैंड आउट्स हैं ऑडियो विजुअल एड्स हैं वो सब ये शामिल हैं और ये देखें आपकी तस्वीर भी लगी हुई है जिसमें चीज़ें लगी हुई हैं जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और इस तरह डिफरेंट चीज़ें हैं जो जिनको उस पर नाम लिख कर उन्होंने ये बताए हुए हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं और कौन से हैं अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स नीड्स इस सिलसिले में सबसे पहला काम टीचर को ये करना चाहिए कि स्टूडेंट्स की नीड्स की असेसमेंट करें कि देखे स्टूडेंट्स की किस लेवल की नीड्स है क्या वो साउंड्स प्रोडक्शन के लेवल पे है क्या वो वर्ड्स प्रोडक्शन के लेवल पे है क्या वो सेंटेंस मेकिंग के लेवल पे है ठीक है तो लैंग्वेज मटेरियल डेवलप करने से पहले टीचर को उनका सर्टन लेवल डिवेल्प तयन करना चाहिए और उनकी इंटरेस्ट और लर्निंग स्टाइल्स को देखना चाहिए तो डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स दूसरा ये स्टेप है कि फिर अब जब लैंग्वेज मटेरियल डेवलप करना है तो टीचर को या जो भी वो कोई इदारा या जो काम कर रहा है उसको उसके ऑबजेक्टिवज़ डिफ़ाइन करने चाहिए देखिए ऑबजेक्टिव जो होते हैं ये नेविगेटर का, का काम करते हैं ये जैसे एक बस का ड्राइवर होता है ना या जहाज़ का पायलट होता है तो उसको पता है कि किस समत ले जाना है तो इसी तरह टीचर को पता है कि क्लास को क्या लर्न कराना है

दैट मीड्स द ऑबजेक्टिवज़ एंड लर्नर्स नीड्स तो ये सबसे हम क्राइटेरिया है कि ऐसा मटीरियल ऐसे चीज़ें सेलेक्ट और करनी चाहिए जो उनकी ज़रूरत को पूरा कर सके और उनके ऑब्जेक्टिवस के मुताबिक हों दे यूज़ एथेंटिक मटीरियल वो एथेंटिक मटीरियल जो किसी अदारे ने तैयार किया हो या जो टीचर ने क्रिएटेड मटीरियल जो भी मुनासब हो वो उसको इस्तेमाल करें और टीचर शुड एनशोर दैट मटीरियल इज़ रेलिवेंट एंगेजिंग यानी वो रेलिवेंट हो बच्चों को मसरूफ़ करने वाला हो मशगूल करने वाला हो एंड अप्रोप्रिएट फॉर लर्नर्स लेवल और बच्चों के लेवल के मुताबिक हो तो ये टीचिंग एड्स भी हैं जैसे एक तस्वीर में आपको नज़र आ रही हैं कुछ तो ये मैंने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं टीचिंग एड्स जो है वो बच्चों की इंटरेस्ट का फैक्टर यूज़ करने के लिए यूज़ की जाती हैं सीकवेंसिंग द मटीरियल अब ये बहुत ज़रूरी है कि जो टीचर है वो जो मटीरियल है उसको तरतीब से रखे द मटीरियल शुड बी सीक्वेंस इन अ लॉजिकल एंड कोहेरेंट वे तो एक तरतीब के साथ एक सीक्वेंस के साथ वो उसको इस्तेमाल करें और लैंगवेज टीचर शुड डिसाइड द ऑर्डर ऑफ़ द एक्टिवटीज़ एंड द कॉन्टेंट यानी कॉन्टेंट और उसकी एक्टिवटीज़ के जो तरतीब है उसका उनको फैसला करना चाहिए और द सकुंस ऑफ मटीरियल शुड टेक इन टू कंसिड्रेशन उसको सीक्वेंस को मद्देनज़र रखना चाहिए और लर्नर्स लेवल एंड देर इंटरेस्ट उनकी जो स्टूडेंट्स का लेवल है उनकी इंटरेस्ट का जो फैक्टर है उसको और लैंग्वेज स्किल्स हैं दे नीड टू डिवेल्प मसल उनमें वो स्पीकिंग वो लिसनिंग्स डिवेल्प करना चाहते हैं वो स्पीकिंग सिखाना चाहते हैं रीडिंग सिखाना चाहते हैं राइटिंग सिखाना चाहते हैं तो ये चार स्किल हैं लैंग्वेज के तो उनमें से ये सीक्वेंस ये है कि सबसे पहले लिसनिंग जो है वो होनी चाहिए फिर स्पीकिंग और फिर रीडिंग और फिर राइटिंग तो क्रिएटिंग एक्टिविटीज़ एंड टास्क तो एक्टिविटीज और टास्क बनाना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज टीचर्स नीड टू क्रिएट एक्टिविटीज़ दैट आर इंटरेस्टिंग रेलिवेंट एंड चैलेंजिंग तो वो इंटरेस्टिंग भी हो और रेलिवेंट भी हो और चैलेंजिंग भी हो और एक्टिविटीज़ एंड टास्क शुड आल्सो रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव्स एंड द लर्नर्स नीड तो ये बार बार जो इसमें आ रहा है कि वो लर्नर्स की नीड और ऑब्जेक्टिवस के मुताबिक हों और प्रोवाइडिंग सपोर्ट तो सपोर्ट फ्राहम करना भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज टीचर शुड प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लेशन वाज उसको वो इंस्ट्रक्शन से उनको लेसन की एक्सप्लेशन के लिए वो वाजे तौर पर डिफ़ाइन करे और एक्सप्लेन करे और जो रेलिवेंट यानी जो रियल लाइफ सिचुएशन से भी उनकी मिसालें देकर वो उसको इस्तेमाल करे और उनको फीडबैक और गाइडेंस दे देवेल्युशन एंड फीडबैक ये लास्ट स्टेप है कि जब आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो एवेलेशन और फीडबैक ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप उस लेसन की एवेलूशन करते हुए क्या करेंगे तो लैंग्वेज टीचर शुड एवेल्यूएट लैंग्वेज मटीरियल्स एंड द लर्नर्स प्रोग्रेस कि कितना बच्चों ने सीखा है इसको वो देखें दे शुड प्रोवाइड फीडबैक ऑन लर्नर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस तो वो फीडबैक दें स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ्स पर और उनकी वीकनेसेस पर और ये सजेस्ट कुछ तरीक़े बताने चाहिए कि किस तरह वो उनको जो वीकनेसेस हैं उनको इम्प्रूव कर सकें और एवेलुएशन एंड द फीडबैक शुड बी ऑन गोइंग ये मुसलसल जारी रहना चाहिए और बच्चों की ये मदद करे वो अपने लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने में तो ये था लैंग्वेज मटेरियल डेवलपमेंट और उसको कैसे मतलब लैंग्वेज मटेरियल का यूज़ कैसे करना है टीचिंग करते हुए और एक टीचर कैसे उनको यूज़ करे